अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नबी सद किचन। हमारे चैनल का नेम जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो चुका है, नबी सद किचन टिप्स एंड ट्रिक्स से नबी सद किचन हो चुका है, ताकि आप सबको याद रखने में आसानी होगी। तो आज हम बनाने वाले हैं बेंगलुरु स्टाइल आलू और बैंगन का भरता। ये हर एक मुस्लिम घर में हर रोज हर वक्त बनाते रहते हैं, तो बहुत आसानी से भी बन जाती है, बहुत मज़ेदार भी रहती है। इसको आप वाइट राइस के साथ, मीट के साथ, फिश के साथ, हर एक साइड डिश के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बेंगलुरु स्टाइल आलू बैंगन का भरता रेसिपी। तो हमने लिया है 750 ग्राम्स ऑफ टोमेटोस को हमने रफली चॉप करके रख लिया है। तो हम इसको एक प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। और हमने लिया है करीब 350 ग्राम्स ऑफ पोटैटो, इसको हमने अच्छे से पील करके वाटर में डाल के रखा हुआ है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। और हमने तीन बड़े ब्रिंजल यानी के बैंगन को भी छोटे छोटे पीसेस में काट के वाटर में ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको भी इस टमाटर में ऐड कर लेंगे, प्रेशर कुकर में हम ऐड कर लेंगे इस तरह से। और अब हम ऐड करेंगे जो हमने पोटैटोस को चॉप करके रखा हुआ है, उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और हमने लिया है 1.5 ऑनियन को हमने रफली चॉप करके रखा हुआ है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स और थोड़ी सी इमली यानी कि टैमरी और 15-16 गार्लिक लिया हुआ है हमने यानी कि लहसुन। और अगर आप रेड चिल्ली पाउडर स्किप करना चाहते हो तो आप ग्रीन चिल्लीज को ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल रेड चिल्ली यूज कर रही हूँ। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें ऐड कर लेंगे। और हम ऐड करेंगे 2 लीटर्स ऑफ वाटर इनटू दिस। ऐड करके हम इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करके हम 5-6 विजिल्स के लिए इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे इसके साथ। तो हम इसको क्लोज करके 4-5 विजिल्स के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हम इसको क्लोज करके गैस फ्लेम ऑन करके हम 4-5 विजिल्स के लिए रख देते हैं। तो देखिए हमारा जो आलू और बैंगन का भरता बॉईल हो चुका है। अब हम इसको एक मैशर की मदद से या फिर इस तरह की घोटने की मदद से इसको हम बारीक घोट लेंगे। देखिए हमने इसमें से जो वाटर जो था वो अलग से निकाल लिया है। अब हम इसको इस घोटने की मदद से हम घोट लेंगे, इस तरह से मैश कर लेंगे, अच्छे से बारीक कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से इसको बारीक कर लिया है। जो हमने इसमें से एक्सेस वाटर रिमूव किया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तो देखिए हमने गैस ऑन करके इसको एक बर्नर पे चढ़ा दिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको बॉईल होने देंगे। और दूसरे स्टोव पर, तो अब दूसरे बर्नर पर हमने एक छोटी सी कढ़ाई रख के इसमें 50 ml ऑयल ऐड किया हुआ है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद हमने लिया है 1 टीस्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। और हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। और मस्टर्ड को हम फूटने के लिए छोड़ेंगे। तो देखिए अब हमारी राई जो है फूट चुकी है। हमने लिया है 1/2 ऑनियन को रफली चॉप कर लिया है लॉन्ग पीसेस में, और 3-4 गार्लिक को हमने क्रश करके रखा हुआ है। हमने पहले गार्लिक डाला हुआ है, अब हम ऐड करेंगे ऑनियन और इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। और अब हम ऐड करेंगे करी लीव्स और इसको थोड़ा सा, ऑनियन थोड़ा सा ब्राउन होने पर हम इसको हमारे आलू और बैंगन के भरते में
ये तड़का ऐड कर देंगे। तो देखिए अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे, थोड़ा सा वाटर ऐड करके इस तरह से ऐड कर देंगे और इसको बॉईल होने देंगे अच्छे से। बॉईल होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारा आलू और बैंगन का भुरता जो है बनकर तैयार है, अब हम इसको सर्व करते हैं। तो देखिए हमारा बेंगलुरु स्टाइल आलू और बैंगन का भुरता बनकर तैयार है। इसको आप व्हाइट राइस के साथ, एग के साथ या मीट के साथ, किसी भी रेसिपी के साथ, फिश के साथ आप आसानी से मज़े से सर्व कर सकते हो। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल नबीसत किचन को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।